अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे, खैरियत से होंगे। तो जिस तरह कि आप लोग सब जानते हैं कि कल मैं, आदिल और बासित हम लोग कल रात को गए थे शॉपिंग करने के लिए थोड़ी सी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टाइम था शॉप्स का वो बंद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम तकरीबन 7:30 या 8 o'clock के अराउंड जो है हम गए थे। तो जो टाइमिंग चल रही है आजकल वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 7 बजे तक जो है वो शॉप्स खोलना अलाउड होती हैं। तो कल तो खैर पॉसिबल नहीं था क्योंकि दुकानें सारी बंद हो गई थी। आज भी 50% चांसेस हैं, क्योंकि डाउट ये है कि शायद सैटरडे और संडे को शॉप्स ओपन करना अलाउड नहीं है। अगर तो इनकेस अलाउड नहीं होंगी तो फिर जारी बात है कि आज भी सब कुछ जो है वो क्लोज होगा, लेकिन इनकेस अगर ओपन होती हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है और हम लोग वहाँ से क्या बाय करते हैं। तो अभी तक जो शॉप्स हैं वो तो बंद हैं जो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, और मॉल का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि वो ओपन है या क्लोज्ड है, लेकिन जो दूसरी शॉप्स हैं वो तो सारी जो है वो बंद हो चुकी हैं। बकाया जो रेस्टोरेंट्स हैं वो तो ओपन है और मॉल बिल्कुल ही बंद है, मतलब आज तो उन्होंने शटर लगा दिया आगे। तो बेसिकली हमने जाना है वी मॉल वाली साइड पे, जो कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है। और अब मुझे भी डाउट पड़ रहा है कि शायद शॉप्स वहाँ पे आज क्लोज्ड होंगी। वी मॉल पे हम पहुँच चुके हैं और मुझे लग रहा है कि शॉप्स कुछ ओपन हैं, कुछ क्लोज हैं। I am not sure. ये तो सारी बंद हैं और इधर भी शायद सब कुछ बंद है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। ऐसा तो हमने जाना जे डॉट पे है, तो वो थोड़ा सा आगे है, मतलब जो स्टार्टिंग है इस लेन की या मॉल की वो उस साइड पे है, और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं जो इसका एंडिंग पॉइंट है। तो वहाँ जाके भी हम देखेंगे कि अगर तो वो जे डॉट खुला होता है तो वेल एंड गुड, वरना अभी तक तो ये फिरकोस, सफायर सब कुछ यहाँ पर बंद है सिवाय अलफता के। अलफता जो है वो खुला हुआ है क्योंकि ये बेसिकली एक ग्रॉसरी स्टोर है, प्लस इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये क्योंकि इसलिए जो है वो खुला हुआ है। और जे डॉट भी बंद है, इसका मतलब ये है कि सैटरडे को और संडे को वाकई में सब कुछ जो है वो बंद होता है। ये रहे हम, ये रहा जे डॉट, और सब कुछ जो है वो बंद है। कूगर भी बंद है, द बॉडी शॉप भी बंद है, चारकोल भी बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि द सेकेंड डे ऑफ शॉपिंग भी हमारा जो है वो कैंसल्ड हो चुका है। आज भी हम कोई शॉपिंग नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ जो है वो बंद हो चुका है। खूब जाना पड़ी किधर गया। बेसिकली मेरा प्लान था आइसक्रीम खाने का, जो कि मेरे दिल के अंदर ही था, और ये भाई साहब खुद ही चलते चलते एक और जगह पे आ गए हैं। और आइसक्रीम का जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका है। और अभी जो है हम एक सियालकोट के अंदर, कैंट के अंदर बहुत ही फेमस एक स्पॉट है जहाँ से आपको पापड़ी चाट मिलती है। ऑर्डर जो है वो हम दे चुके हैं। वैसे तो वो आम तौर पे मिट्टी के बाउल के अंदर उसको सर्व करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस है, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं मिट्टी के बाउल की बजाय वो प्लास्टिक का जो बॉक्स बने होते हैं, प्लेट्स होती हैं जिस तरह वो बंद हो जाती हैं ऊपर से, उसके अंदर वो सर्व कर रहे हैं। तो ऑर्डर तो हम दे चुके हैं और उसका वेट कर रहे हैं। तो जी चार्ट जो है वो आ चुकी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लेंगे। और आप शुरू कर दें खाना पहले। हाँ, तो साथ हमें मिलता है ये, जो कि इसमें मसाले हैं, चाट मसाला बेसिकली, और जो डब्बा है वो ये वाला है पॉलीथीन का। इसमें भी सलाद नहीं है। खैर, मैं ज़रा आपको एक इंटरनली जो व्यू है ना वो दिखाता हूँ चाट का। ये है जी चाट, और ये उसके ऊपर है पापड़ी, और बकाया जो मिक्सर है वो इसके नीचे ही पड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको भी दिखा नहीं सकता क्योंकि वरना ये मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। तो इससे पहले कि
ये गिर जाए या कोई इस तरह का सीन हो, मैं इसको ज़रा खा लूँ। आज का दिन भी हमारा जो है ऐसे ही गुजर गया, शॉपिंग हम नहीं कर पाए। और ये है कि बीच में हम लोग एक बेकरी में रुके थे, बेकर्स इन सियालकोट के अंदर, कैंट के अंदर, तो वहाँ पे हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया था। और इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले दिन था, मतलब रोशनी थी, अब जरा अंधेरा हो गया। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो अब दोबारा से हम कभी ट्राई करेंगे मंडे को या ट्यूसडे को, अगर टाइम मिल गया तो देखेंगे, अदरवाइज इट्स ओके हमको ये। तो आज का जो ब्लॉग है वो यहाँ तक ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे से कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।